सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की जर्नी काफ़ी ज़्यादा अहम और ख़ास होने जा रही है, क्योंकि आज मैं हूँ ओमकारेश्वर रोड में, जो कि आता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और आज हम जिसमें सफ़र करने जा रहे हैं वो एक इतिहास बन के रह जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि इस लाइन को आज से लगभग 146 साल पहले, यानी कि 146 ईयर पहले शुरू किया गया था। ये ट्रैक अकोला और रतलाम के बीच में बिछाया गया था। टोटल लेंथ थी इसकी 479 किलोमीटर्स। 1877 में पहली मालगाड़ी चलाई गई थी इस ट्रैक पे, और 1 जनवरी 1878 को पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। सो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक ऐतिहासिक सफ़र की, क्योंकि आज के बाद आपको इस रूट पे कोई भी मीटर गेज ट्रेन या ट्रैक नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और कलेक्ट करते हैं हमारी आखिरी इस ट्रेन की टिकट। सो जैसे ही मैं अंदर आया, मुझे सौरभ भाई दिखे और वो कोचिस के ऊपर ड्राइंग कर रहे थे। इससे पता लगता है भाई, ट्रेन्स के लिए, मीटर गेज ट्रेन्स के लिए कितना प्यार है लोगों में। भाई देख सकते हैं, मेरे को देखकर इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है इस टाइम पे। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो आखिरी पल है, हम सब साथ मिलकर इस चीज़ को फील करना चाहते हैं। सो अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल एंड पे, लोकोमोटिव के पास, और ये कुछ आखिरी पल हैं, उसको मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ, ना कि दुखी होकर। लेकिन वैसे बहुत इमोशनल आज का दिन है, बट क्या बोलूँ, मेरा मानना है कि चलिए यार, जो भी बदलाव होते हैं ना, उसको अच्छे वे में लेकर, क्योंकि आपको ही पता है छोटी लाइन्स कितने सालों से चलती आ रही, काफ़ी लोगों की ये यादें हैं, वो आज मतलब उखड़ जाएंगे यार। अब इस पटरियों पे कोई और ट्रेन नहीं दौड़ेगी आज के बाद, क्योंकि माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, उस टाइम मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ये यादगार सफ़र, आखिरी सफ़र। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा हूँ इस ट्रेन के साथ। सो चलिए जी, 9:25 हो चुका है टाइम बिल्कुल निकलने का, और गार्ड साहब ने हॉर्न दे दिया है, और रेडी हैं हम अपने आखिरी सफ़र पे इस ट्रेन की आखिरी हरी झंडी दिखाते हुए ओमकारेश्वर रोड से। और ये जो आपको सिग्नल दिख रहे हैं, इसे कहते हैं सेमाफोर सिग्नल, ये भी इस ट्रेन के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। अब ये भी इतिहास का हिस्सा बन के रह जाएंगे। निकल चुके हैं भाई ये आखिरी राइड लेने के लिए। बहुत ज़्यादा आज इमोशनल फील हो रहा है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। अब हम एंटर कर रहे हैं नर्मदा माता रिवर पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं बड़वाहा रेलवे स्टेशन पे। वैसे मैं बता दूं, रात में मैं बड़वाहा आ चुका था, और मैंने कल रात में इस ट्रेन में यात्रा की थी, जो ट्रेन मऊ से ओमकारेश्वर रोड जा रही थी। और ना जाने मैं कितने लोगों से मिला, और एक मुझे उस दौरान एक प्यारा सा डॉग मिला, मतलब
अब मानेंगे नहीं, बट वो 5 दिन बाद पता नहीं कहाँ चला गया था। भैया बता रहे थे कि 5 दिन बाद वो लौटा था और वो इतना रो रहा था क्योंकि उसे भी पता लग गया था कि आज ये सब लोग आखिरी दिन ही यहाँ पर हैं, क्योंकि कल से ये आखिरी ट्रेन की यात्रा करने के बाद सारे के सारे कर्मचारी उस स्टेशन से चले जाएंगे और वहाँ वो अकेला रह जाएगा। तो चलिए, अब वक्त हो चुका था आखिरी बार अलविदा करने का सारे बड़वाहा के लोगों को। बहुत खास पल थे और काफ़ी लोगों ने आपने देखा ही कि हमारे लोको पायलट साहब और सारे कर्मचारी को फूल मालाएं दी। बहुत सुंदर नज़ारा थे, बहुत खूब। चल रही है बिल्कुल फर्स्ट क्लास और एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। कुछ आखिरी पल लोग अपनी आखिरी राइड लेते हुए यहाँ पर। तो अब हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है रेलवे क्रॉसिंग को और आज के बाद ये रेलवे क्रॉसिंग भी कभी बंद नहीं होगी और लोगों का आना जाना इसकी वजह से कभी भी नहीं रुकेगा। ट्रेन पहुंच चुकी है बलवाड़ा में और यार क्या सफ़र चल रहा है, सच बता रहा हूँ। ये जो आखिरी पल है ना, मैं मतलब मेरा मन तो बहुत इमोशनल है, बट मैं चाहता हूँ इसको एक खुशी से, इस पल को यार बहुत इमोशनल पल है, इसको जिया जाए। और देख लो भाई, जहाँ भी जा रहे हैं ना, लोग आ रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज के बाद ये ट्रेन इस रूट पर नहीं चलने वाली है। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मिक्स इमोशन है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ लोग, कई लोग खुश भी हो रहे हैं, वो उनको लगता है कि यार आने वाले टाइम में ये चेंजेस आने चाहिए थे, ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होना चाहिए था। और कुछ लोगों की ये यादें हैं, मैंने सुना था अभी, लोग बोल रहे थे कि यार ये नहीं बंद होनी चाहिए, काम चलाते रहें लेकिन इसे बंद ना करें। और ये थी इस ट्रेन की आखिरी टिकट। न जाने कितने लोगों को मैंने इस ट्रेन के गेट पे खड़े हुए देखा, क्योंकि उनको भी पता था आज के बाद इस ट्रेन की और ये खूबसूरत वादियों के नज़ारे इनको देखने को नहीं मिलेंगे। चोरल से निकलने के बाद न जाने ये घाटियों में पेड़ पौधे काफ़ी मायूस लग रहे थे, क्योंकि इनको भी पता था कि आज के बाद इन्हें ये ट्रेन, ये ट्रैक और इंजन का धुआं देखने को नहीं मिलेगा। कालाकुंड पहुंच गए जी। सो ये जो लोकोमोटिव है, ये हमारी ट्रेन के पीछे लगेगा बैंकर के लिए। और यहाँ पर भी भाई बहुत मेजर टूरिस्ट स्पॉट था, है, बट अब लोग कैसे आएंगे। ट्रेन के ज़रिए लोग आते थे, एक चलती थी हेरिटेज ट्रेन भी, उसको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि सारा का सारा ट्रैक उखड़ जाएगा। तो एक मिनट आइए, तो सारा का सारा ट्रैक उखड़ जाएगा ना, तो ये फिर आपको पता ही है लोग कैसे आएंगे यहाँ पर विज़िट करने। वैसे मैं ऑलरेडी एक बार जर्नी कर चुका हूँ वो हेरिटेज ट्रेन में, तो वो देख सकते हैं। तो देख लो भाई,
यहाँ पर बैंकर को अटैच किया जा रहा है। यहाँ पर आपको पता थोड़ा सा हिली एरिया आ जाएगा ना, तो यही हमारे को खुश करने वाले पीछे से। तो ये देख लो भाई, कलाकंद की जो शॉप है ना वो आज बंद कर दी है। मतलब ये आखिरी दिन, मतलब इनको भी पता है भी है, अब आगे से ये कलाकंद नहीं बिकेंगे इस स्टेशन पे, क्योंकि लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। सिर्फ एक यही ट्रेन थी जिसके कारण लोग यहाँ पर आते थे और घूमते थे। यार ये बहुत मिस करूँगा मैं ये चीज़। मैंने सोचा था भी कोई बात नहीं, इमोशन है, बट हर चीज़ का आनंद लेते हुए, हर चीज़ों को देखते हुए, यादों के जरिए आपको दिखाया जाए। तो देख लो आप, आखिरी दिन था और जो कलाकंद था वो तो नहीं मिला, और यहाँ पर कचौरी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ आखिरी दिन उस चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो नहीं मिलेगा। रूट इतना सुंदर है, आपको इस रूट पे कर्व्स भी देखने को मिलेगा, टनल भी देखने को मिलेंगी, ब्रिज भी देखने को मिलेंगे। यार बहुत सुंदर। ये देखो कितना खूबसूरत ब्रिज है सामने आप, तो इसको अब हम एंटर करने वाले हैं। अब करेंगे, बहुत खूबसूरत ब्रिज है। चलिए तो आपको सामने, आपको मैं दिखाता हूँ पताल पानी वाटरफॉल। सामने वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा, पताल पानी वाटरफॉल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, बहुत सुंदर यार। सो चलिए अब देख लेते हैं आखिरी बार ब्रॉड गेज से मीटर गेज की क्रॉसिंग। जी हाँ, सही सुना आपने, ये है ब्रॉड गेज लाइन और हम आ रहे हैं मीटर गेज लाइन से। तो ये दोनों इधर आकर इकलौती यही क्रॉसिंग है जो आपको देखने को मिल रही है, बट आगे ये भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा काफ़ी लोग बहुत मायूसी से
ट्रेन से उतर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उनको भी पता है अब इसके बाद इन सबको और हमें इस ट्रेन में चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और जो चीज़ मैं नहीं देखना चाहता था वो ये इस ट्रेन की आखिरी बार खिड़कियाँ। जी हाँ, बहुत मुश्किल से ये चीज़ देखी जा रही थी कि अब इसके बाद इस ट्रेन की खिड़कियाँ कभी खुलेंगी नहीं। लोगों का सम्मान करने तो दूर दूर से आए हो इस ट्रेन के सफर को कवरेज करने के लिए, और इस ट्रेन में सफर करने वाले उन सभी यात्रियों को उनको आखिरी सलाम है जो इस ट्रेन में बैठे हैं। तो हमारे तिवारी उनकी तरफ से छोटी सी भेंट आप लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आखिरी रन में मीटर गेज ट्रेन के आखिरी रन में हिस्सा बन पाया और आपके साथ ये यादें शेयर कर पाया। मुझे बहुत खुशी हुई सबसे मिलकर जो भी इस ट्रेन जर्नी को कवर कर रहे थे मेरे साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ जाकर उसे फील करें। ये एक इमोशन है, एक ट्रेन जर्नी नहीं थी, एक इमोशन था। बहुत अच्छा लगा। एंड या आज की वीडियो में अगर पसंद आई तो मैं लाइक और कमेंट करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर आपको खुद से कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और हाँ, ऐसी चीज़ों को देखें क्योंकि ये चीज़ें कुछ नया सिखा कर जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।